चले जी, अभी हमने खाना वाना खा लिया है और अभी हम लोग दोबारा निकल चुके हैं अपने होटल से और सामने हम लोग जा रहे हैं वो फाइव पे। वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना था घर वालों के लिए, लोगों के लिए, तो बस वही देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये सामने देख रहे हैं आप, ये खजूर के बाग हैं, काफ़ी बड़ा बाग है खजूर का, यहाँ बहुत खजूर होते हैं। यहाँ पे उस तरफ से मैं शायद इसका रास्ता है उस दूसरी तरफ से। बाकी हमारा मॉल जो है वो आने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है चंद कदम पे। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे हो रही है और लग भी रही है काफ़ी ज़्यादा। बाकी ये है कि हमारा सफ़र जो है यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, वहाँ से 17 तारीख को हमारे ही रवानगी है यहाँ से मक्का शरीफ में, और फिर वहाँ पाँच दिन उसके बाद फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान कराची। चलिए जी, ये आ गया यहाँ पे वो फाइव, ये देखें बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत काफ़ी बड़ा मॉल है। यहाँ बच्चों वगैरह के लिए भी एक्टिविटी है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मॉल है, बहुत कुछ मिल जाता है, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको यहाँ से अगर आप लेना चाहें, काफ़ी सामान वगैरह मिल जाता है आपको यहाँ से। बाकी यहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में आती हैं, ये जो टर्निंग है ना यहाँ से गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में आती हैं। ये आपको नज़ार कि मेरे पीछे भी एक गाड़ी आ रही है, बड़ी स्पीड में आ रही थी वाली गाड़ी, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, नज़र नहीं आता यहाँ से, ये पूरा टर्न हो रहा है, वहाँ से आते नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ पे इन लोगों को सिग्नल वगैरह लगाना चाहिए, रेड सिग्नल वगैरह, चूँकि जा रहे हैं यहाँ पे मॉल है उसके साथ ही आप बिल्कुल स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से वहाँ। बाकी अभी हम लोग मॉल के अंदर जा रहे हैं भाई, ये देख लें मॉल है वो फाइव के नाम से, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं काफ़ी सारी। बाकी देखते हैं आज क्या लेने वाले हैं यहाँ से, लास्ट टाइम तो काफ़ी कुछ लिया था, आज भी देखते हैं क्या लेने, फिर आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं यहाँ से। ये हम मॉल के अंदर आ गए और काफ़ी अच्छा मॉल है, बहुत ही बड़ा मॉल है ये, आप देख सकते हैं सामने डबल रोटियाँ वगैरह मिल रही हैं। अच्छा, ये डबल रोटी का जो ब्रेड है ये भी 5 रियाल का है, 5.75 रियाल के। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो सारी 5.75 रियाल की हैं, मतलब 5 रियाल मतलब 5.75 रियाल। ये आप देख रहे हैं ये सब 5 रियाल के यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 5.75 रियाल मिल रही है यहाँ पे, 5.75 रियाल की दो मैगी ऑफर लगी हुई है, स्पेशल ऑफर है। तो ये जूस वगैरह रखे हुए और ये भी सारे 5-5 रियाल के हैं, अभी आपको नजर आ रहे हैं 5.7। चॉकलेट वगैरह ये भी 5 रियाल के, कोला तो ये मिल रहा है आपको, काफ़ी कुछ है यहाँ पे मॉल वगैरह आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे आपको ये दो मिल जाएंगे, ये मैगी है मेरे घर से, ये दो मैगी मिली है 5.75 रियाल की, देखने में तो सही लग रही है। ये चिप्स वगैरह का कॉर्नर है, यहाँ पे चिप्स वगैरह मिल रहे हैं और ये मेरे घर से दो मिल जाएंगे, दो है स्पेशल ऑफर है इसमें, मांगेंगे दो है, एक के साथ दूसरा फ्री है, इससे 5.75 का मिलेगा आपको, ये दो आ गए साथ में, ठीक है। आप इसके अलावा और भी लगे हुए, ये एक मिलेगा ये वाला, ये भी 5.75 का है, और इसके अलावा ये भी कुछ है, ये भी इतने के ही हैं। अच्छा, वो वाले में ऑफ़र लगी हुई, वहाँ पे दो मिल रहे हैं आपको वो 5.75 के। अच्छा, यहाँ पर भी ऑफ़र लगी हुई है, यहाँ पर भी ऑफ़र है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑफ़र है, ये भी आपको दो मिल लेंगे अलबाटा के नाम से, अलबाताल, ये भी आपको दो मिल रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कुछ केक्स वगैरह हैं जो आपको मिल लेंगे 5.75 के, ये भी केक्स हैं, ये टॉफ़ी वगैरह का डब्बा है शायद, कोकोमो टाइप की चीज़ है ये आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर ये दिखाऊं तो ये बाहर आपको 6 रियाल का मिलता है ये वाला डब्बा, यहाँ पे 2.5 रियाल का मिल रहा है, और ये बड़ा वाला आपको 5 रियाल का मिल रहा है 5.75, यहाँ पर चीज़ें लगी है। और ये क्रोसन अरसलान के लिए कितने का है? ये भी 5.75 का है, सही है, ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्रोसन डे, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इसको भी इतने का मिल रहा है। और ये यहाँ पे कुछ डब्बे वगैरह पड़े हैं, बिस्कुट वगैरह है, ये वाला 2.5 की है, ये दो आ जाएंगे डब्बे 5 रियाल के। ये आपको मूँगफलियाँ वाला टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, ये वो कुछ छिली हुई हैं, ये भी आपको 5.5 की मिल रही है, यहाँ पर और भी लगेगा। ये मॉल है भाई,
बहुत कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे क्लासेस वगैरह मिल जाते हैं, पापा श्रीहार के लगे। चलो ये आज भी दोबारा टोपी वगैरह देखने आ गया, यहाँ पे काफ़ी सही मिल रही थी यहाँ पे, तो आज भी मैं एक दो टोपियाँ ले ही लेता हूँ यहाँ से। पापा श्रीहार की है सारी, ये आप देख सकते हैं पापा श्रीहार की शर्ट है 5.75। ये आपका जेंट्स कॉर्नर है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको काफ़ी कम रेट पे भाई, 5.75। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी तरह के रेट में, ये बच्चों के लिए लगे हुए सेक्शन तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये वाला ये बच्चों का सेक्शन है, ये भी आपको यहाँ पे इतने का ही मिल जाएगा सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह देने के लिए 5.75। ये देखो सारा कुछ, ये चॉकलेट वगैरह ये आपको लगा रहे हैं काफ़ी बड़ी है, ये आपको मिली है तकरीबन 5.75 की, और साथ में ये कुछ है, ये भी सारी चीज़ें आपको मिली है, ये 5.75 की है, और ये चॉकलेट्स वगैरह ये भी आपको इतने का ही मिल रहा है 7.5, 6 पीस हैं इसके अंदर, और इसके अलावा अगर ये चॉकलेट है ये भी आपको इतने का मिल रही है, सारे एक ही तरह के रहते हैं, ये टोपे वगैरह मिली है ये भी इस तरह की मिली है, ये जो चिप्स हैं ये आपको दो मिले 5.75 के आ रही, और ये चॉकलेट का है तोला ये भी ऐसे ही मिल रहा है 5.75। ये ओवरऑल चीज़ें लिए हैं यहाँ से कुछ, और सारे चीज़ें सही हैं 5.75 के आल की मिली है सारी चीज़ें, बाकी अब हम ऊपर जाके देखते हैं वहाँ पे ऊपर क्या मिल रहा है। चलें फाइनली हम लोगों ने सामान वगैरह यहाँ से ले लिया जो हमें यहाँ से लेनी थी चीज़ें वगैरह, तो अभी फ़िलहाल तो टाइम हो चुका है असर की नमाज़ का, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं असर की नमाज़ के लिए, और जो सामान हमें अभी जो रह गया सामान वो ईशा के बाद इंशाल्लाह आके वो सामान भी ले लेंगे। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया, अब कितने का हुआ है सामान ये मुझे पता नहीं, लेकिन सारी चीज़ें जो है ना पर पीस वो 5.75 की मिली है। अच्छा हमारी बिलिंग वगैरह यहाँ पर होगी इस तरफ, और ये सामान वगैरह हमने जो लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ली हैं हम लोगों ने। ये और ये सारी चीज़ें हमने अभी यहाँ से ली हैं, और जो कुछ चीज़ें रह गई ऊपर से जो जाके लेनी थी आप उसके लिए कि रात की ईशा की नमाज़ के दोबारा आएंगे और सामान वगैरह ले लेंगे, तो लोगों को गिफ्ट वगैरह देने के लिए वो सारी चीज़ें ऊपर, नीचे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं आपको सारा जो लगा हुआ है आपको, ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं और चॉकलेट्स हैं आइसक्रीम जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ की, जो चीज़ें आपको बाहर महंगी मिलती ना वो यहाँ जब काफ़ी मुनासिब थोड़ा सा मिल जाती है, जैसे यहाँ पे पानी की बोतलें वगैरह आपको बाहर मिलती है 1 रियाल की एक बोतल मिलनी होती है या कहीं 2, तो यहाँ पे आपको 5 रियाल का पूरा आपको क्रेडिट मिल जाता है अच्छा वाला, उसमें 12-13 बोतलें होती हैं, ज़्यादा ही होती हैं बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। बाकी रात में आके देखते हैं और बाकी बिलिंग वगैरह यहाँ से होगी। चलें ये देखें, ये आपको पानी का पूरा क्रेडिट मिल रहा है 24 बोतलें इसके अंदर, और ये आपको मिल रहा है 5.75 रियाल का, ये आपको मिली है भाई, ये हमारा सामान है और यहाँ हमारी बिलिंग हो रही है इस टाइम पे। ये सारी आपको ये पापा श्रेया 5.75 सारी चॉकलेट। चले जी हम लोग नमाज़ पढ़ के घर पे आ गए थे ईशा की, और आपसे मैंने कहा था कि कुछ सामान अभी हमें और भी लेना था, कि उस टाइम असर का टाइम हो गया था इसलिए हम लोग निकल गए थे, तो ये असर मगरिब ईशा हम लोग करके आए और अभी दोबारा हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा है, और अभी यहाँ पर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आए हैं, और अभी हम लोग दोबारा अंदर जा रहे हैं। बैग वगैरह ये भी 5-5 रियाल के मिल रहे हैं, ये क्यूब है मैजिक क्यूब ये 5 रियाल के हैं, ये कुछ अलग तरह के हैं सारी 5-5 रियाल की चीज़ें, ये काफ़ी कुछ दे रहे हैं नहीं किया है। ये देखें ये भी 5-5 रियाल के यहाँ पर डिब्बे पड़े हैं, और ये स्विमिंग वगैरह की है ये 5-5 रियाल की है। चलिए ये देखिए बच्चों की स्लीपर्स वगैरह ये भी 5-5 रियाल की हैं, ये नज़र आ रही है अलग डिज़ाइन की, और ये भी नज़र आ रही है बड़ों की है 5-5 है, सब कुछ 5-5 रियाल की है। ये लड़कों का सेक्शन है, और यहाँ पे भी लड़कों की चप्पलें मिली हैं 5.75 रियाल की, काफ़ी अच्छी चप्पलें नज़र आ रही हैं सब जो स्लीपर्स हैं।
ये भी इतनी की मिल रही है। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये सेक्शन जो है यहाँ पे सारे जूते चप्पलें वगैरह यहाँ पे मिल रही हैं और सब 5-5 हज़ार की हैं सारी चीज़ें, 5.75। ये भी देखें जूते वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन ये पहनने वाले जूते नहीं लग रहे, ये अजीब सी लग रहे हैं कुछ, ये 5-5 हज़ार के। और यहाँ पे सॉक्स वगैरह का सेक्शन है, ये सॉक्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। और बाकी कपड़ों का सेक्शन भी देखते हैं, चप्पलें बहुत हैं यहाँ पे, स्लीपर्स भी हैं सारी इस तरह की मिल रही है। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी स्लीपर्स हैं 5-5 हज़ार की। चलिए आप ये सेक्शन देखें, यहाँ पे सारे लड़कों के कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, ये शर्टें वगैरह हैं, टी शर्टें हैं, अलग तरह की मिल रही है, ट्राउज़र्स हैं, जहाँ पर ट्राउज़र्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये ट्राउज़र्स हैं, ये टी शर्ट्स हैं, अलग कलर के टी शर्ट्स हैं, ये सारी 5-5 हज़ार की हैं, 5.75। हर चीज़ सेम रेट की है यहाँ पर, यहाँ पे ना जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है कम रेट में, अभी ये चीज़ बाहर से लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रेट में मिलेगी चीज़ें। ये देखें पेंटें देखें सारी इसी तरह की, सही है, ये पेंटें वगैरह भी सही है इसी रेट की। आपको मैं एक जगह और एक चीज़ और दिखा, अच्छा यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं बच्चों के ना, जो आप ले सकते हैं, ये देखें बच्चों वगैरह को देने के लिए काफ़ी सही मिल रही है। ये मेरे पास है लड़कियों के लिए और ये बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मैं आगे जाऊं तो ये कुछ तरह का मिल रहा है, और यहाँ पे ये सारे जुब्बा वगैरह टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, ये जुब्बा ये 1 ईयर, ये जुब्बा वगैरह मिल रहा है साइज वगैरह के लिए छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, 1 साल के बच्चों के लिए भी खाते हैं। और कुछ इस तरह के मिल रहे हैं, सही है, काफ़ी सही मिल रहा है यहाँ पे चीज़ें वगैरह। और कुछ ये मिल रहा है आपको, बाकी ये जुब्बा देखूँगा, जुब्बे में कुछ अच्छा मिल रहा है, ट्राई करता हूँ कुछ अच्छा मिल जाए। चलिए फाइनली हम लोग यहाँ से सामान वगैरह ले लिया और अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये आपने देख लिया सारे सेक्शन वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप किसी को पहनना चाहें या लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ पर आके। बाकी हम लोग नीचे जा रहे हैं, आप नीचे जाके देखते हैं आप क्या मिल रहा है। यहाँ बहुत कुछ है और जो हमें लेना था वो यहाँ से ले लिया मैंने, अपने लिए भी मैंने शर्ट वगैरह ले ली, बाकी मुझे अभी समझ में कुछ खास आ नहीं था। बाकी ये कल भी आके मैं एक बार ट्राई कर लूँगा, अगर कुछ पहुँचाया तो ले लूँगा, बाकी चीज़ें तो मैं यहाँ से ले चुका हूँ काफ़ी सारी। बाकी बच्चों के आप सेक्शन देख लें, दोबारा इनको टॉय वगैरह चाहिए तो दोबारा हम इस जगह पे आए हुए सामान वगैरह लेने के लिए, तो काफ़ी मुनासिब है और काफ़ी कुछ मिल जाता है भाई, और भी मतलब काफ़ी बेहतर है। तो कुछ जो चीज़ें मैंने यहाँ से भी ली है ना, वो चीज़ें बिन दाऊद के अंदर, खासकर बिन दाऊद के अंदर वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे जो चीज़ यहाँ 5 हज़ार की मिल रही है, 5.75 की, वहाँ वो मिल रही है 22 हज़ार की। यहाँ जो हमने जूस वगैरह लिए थे वहाँ पर वो 22 हज़ार के, और यहाँ 5.75। यहाँ जो हमने चॉकलेट वगैरह ली है 5.75 की, वहाँ वो चॉकलेट मिल रही है तकरीबन 25 रियाल की, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी सही है, मुनासिब है। किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो तो वो 5 पे ज़रूर विज़िट करें, आपको काफ़ी समझ में आएगी ये जगह। और मैंने तो काफ़ी कुछ लिया है यहाँ से, और अभी भी हमने चीज़ें वगैरह ली हैं काफ़ी, तो लेनी है थोड़ी बहुत चीज़ें, ये शर्ट ली है, ये जुब्बा ली है बच्चों के लिए, और ये कुछ लिया है साथ में, कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं, जूते वगैरह लिए, तो बस बाकी और कुछ चीज़ें लेनी है नीचे से लेनी है, खाने पीने की चीज़ें वगैरह, तो मेन वही आए थे तो बस वैसे ही ले लिया, समझ में आया तो ले लिया, बाकी अब नीचे जा रहे हैं हम लोग। ये 5 हज़ार का, ये 5, ये भी 5, ये कुछ चिप्स वगैरह मिल रही है जो भी 5 हज़ार की है, स्टिक बिस्किट है बढ़ पिज़्ज़ा फ्लेवर में, और साथ में ये कुछ भी ये भी मिल रहा है, ये स्टिक बिस्किट है जो भी 5 रियाल की, ये चॉकलेट्स वगैरह हैं, पेपर टाइप की चीज़ें, ये भी 5 हज़ार की। एक स्पेशल ऑफर लगी हुई है 5.75 में, 2 पीस आप ले सकते हैं, ये 2 बॉक्स आपको साथ में मिलेंगे, ये 6 पीस हैं, एक ही साथ एक फ्री है, यानी कि 2 डब्बे, और साथ में ये ओरियो बिस्कुट का एक है डब्बा आपको मिल जाएगा ये पूरा, ये भी आपको वही 5.75 रियाल का। जो भी चीज़ यहाँ मिल रही है ना वो 5.75 है, मैं अगर 5 रियाल बोल रहा हूँ मतलब यही है कि 5.75 है,
वो यहाँ पे इतना ज़्यादा उन्होंने बोला हुआ है ना 5 रियाल 5 रियाल, तो वही जबान में रेट सा किया है वो, तो वही 5 रियाल निकलता रहता है। ये सब चीज़ें 5.75 रियाल की है, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे मोस्टली चीज़ें। ये भी चॉकलेट ऐसी इसी तरह की है, ये आपको नज़र आ रहा है प्राइस। ये मॉल ही ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा सारी चीज़ें तो इसी रेट की है, सारी चीज़ें इसी रेट में 5.75, कुछ भी आप ले लें आपको ये इसी रेट में मिलेगा। जैसे ये पड़ा हुआ है ये भी इतने का ही है। दरअसल अगर आगे जाऊँ यहाँ पे आपको चीज़ें वगैरह नज़र आ रही होगी, ये बिस्कुट ये भी इतने का ही है, ये सारी बिस्कुट्स वगैरह चीज़ें नहीं है। ये भी इतने तक की आपको मिली है, ये किटकैट है, ये साथ में ये कुछ इस तरह वाली चॉकलेट है बराकत, ये दो मिली है और ये दो है 5.75 की है, और साथ ये भी दो बॉक्स है, ये सारी चीज़ें। और कुछ चॉकलेट यहाँ पे पड़ी हुई ये नहीं, बहुत चॉकलेट्स हैं यहाँ पे। और ये आप चॉकलेट अगर पाकिस्तान से आप लें तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी मेरे ख्याल से, इतना बड़ा साइज़ है ये चेक करें। और ये किट कैट है, किट कैट तो ऐसी महंगी होती है। और ये और भी कुछ चीज़ें चॉकलेट्स हैं ये सामने लगी हुई है, ये आपको दो मिल जाएंगी वाली, ये चॉकलेट आपको दो मिल जाएगी, स्पेशल ऑफर लगी हुई है। ये आपको एक मिल जाएगी, ये भी वैसे दो मिलेगी बल्कि एक है, सही है काफ़ी कुछ है। ये भी चेक करें आपकी जो माइनिस वगैरह हैं वो भी इतने तक के मिल रहे हैं 5 रियाल के। ये भी मैं लेके आया हूँ, ये भी 5 तक का। और ये कुछ सामान वगैरह लिया हम लोगों ने इतना, ये सारी चीज़ें ले ली हम लोगों ने। और अभी कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह कल आके देख लें। ये जो भी मैंने उठाया ये भी काफ़ी मुनासिब कीमत में मिल रहा है, और ये 5.75 रियाल का है, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये दो बॉक्स, ये आपको दो डब्बे मिल रहे हैं इसके 5.75 रियाल के। ये आपको चॉकलेट्स वगैरह हैं ये तीन मिल जाएंगी वाली बड़ी वाली चॉकलेट्स तीन है, ये आपको नज़र आ रही है। ये आपको दो मिल जाएंगी इस तरह वाली चॉकलेट, ये इस तरह वाली जो है ये भी आपको दो मिल जाएंगी। ये पता नहीं क्या है, ये मेरे शायद जेली हैं, जेली है शायद। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है। जो भी चीज़ यहाँ से आप लेंगे वो तकरीबन आपको 5.75 रियाल की ही मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुनासिब कीमत में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे ज़रूर आया, मतलब जब भी मदीना आना हो तो इस जगह पे ज़रूर आके एक बार विज़िट करें। बाकी बिन दाउद में और इन सब दूसरी जगहों पे ना यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है। यहाँ पर वही चीज़ें आपको कम बहुत कम रेट की मिल रही है, और यहाँ कम रेट की मिल रही है, और बाकी जगहों पर उससे डबल प्राइस से भी ज़्यादा की मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और हमें सपोर्ट जरूर करता है।